जिंदगी बमुश्किल गुजर रही थी, आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहे थे। धीरेंद्र का धैर्य एक दिन जवाब दे गया, वो भी अपनी याचिका लेकर अपने दादा के दरबार पहुंच गया। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा, तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे, उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे जिंदगी में, कुछ कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। 2010 में दादा का निधन हो गया तो अचानक बाल धीरेन्द्र की दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन गुरु तब तक अपना काम कर चुका था। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा, फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वाचने जाते थे, जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो आते ही अपना ये नाम बताएगा, ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था, ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। अब वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा हो ये तो पहले पता लग गया था हमें, धीरे धीरे उसकी वो उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। 1 साल अज्ञातवास में रहने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भावी योजना का खाका तैयार कर चुके थे, वो लौटे तो बालाजी की सेवा में जुट गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की, जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है, कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को बाबा बनाने के लिए तैयार किया, कई बड़े कथावाचकों के कार्यक्रम सुने, एक मोबाइल खरीदा ताकि उनके वीडियो देख सके, और फिर उन्होंने अपनी कर्मभूमि उसी बागेश्वर धाम को बनाया जहां उनके दादा का दरबार लगा करता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादा के अंदाज में ही दरबार लगाना शुरू किया, पर्ची निकालना शुरू किया। रूबी देवी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया था? चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए, रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा जी, जी। यही पूछने आए जी। शरीर नीला पड़ गया था इनका, बस 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 रोइए मत, शरीर नीला पड़ गया था। आस्था, धर्म, चमत्कार और भावनाओं के कॉकटेल ने धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जमा दिया, वो चंद वर्षों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बाबा बागेश्वर सरकार कहलाने लगे। हमें बहुत चाहत तू, वो आज भी चाहत, आज दौड़ के पाँव पर हमारे, अभी भी आया तो पर के पाँव पर हमारे। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र अभी सिर्फ 26 साल है, उनकी मंजिल क्या है ये अभी उन्हें भी नहीं पता, हाँ जिंदगी अपने खेल खूब दिखाती है इसका एहसास उन्हें जरूर है। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं है, कब क्या कर दें, गुरु कब कृपा कैसी कर दें, कह नहीं सकते अब। यहाँ हम खुद, हम अपने जीवन में ये जो भी हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार है, खाना पीना भोजन रहन सहन सब चमत्कार से बड़े, कोई किसी का नहीं बताया जरूर।